हेलो दोस्तों, ज्ञान की बातें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जून 2023 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस महीने आप स्वयं को पहले से अधिक केंद्रित, महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी पाएंगे। ये ऐसा है जैसे आप किसी गहरी नींद से जाग गए हों और कार्यभार संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हों। आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रेरणा और दृढ़ संकल्प से भरे रहेंगे। लक्ष्य निर्धारित करने के और उन्हें प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। अब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मकर राशि के जातक जो एक रिश्ते में हैं, उनके लिए यह सप्ताह जुनून के नए रास्ते लेकर आएगा। खुले संचार और साझा लक्ष्यों के साथ आप अपना साथी पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो अपना दिमाग और दिल खुला रखें। इस महीने आपके जीवन में कोई विशेष व्यक्ति आ सकता है। करियर की अगर बात की जाए तो आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प इस महीने बड़े पैमाने पर रंग ला रहे हैं। सहकर्मी और वरिष्ठ आपके समर्पण को नोटिस करेंगे और आपको नए अवसरों से पुरस्कृत करने की संभावना है। हालांकि अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करें और अल्पकालिक सफलता को विचलित ना होने दें। मतलब छोटी से छोटी जो आपको खुशियां मिलती हैं, अपने करियर से रिलेटेड कोई आपकी तारीफ करता है, उस पर ध्यान ना दिया जाए। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। आर्थिक स्थिति की बात की जाए, आर्थिक रूप से मकर राशि वालों के लिए लंबी अवधि के उपक्रमों में निवेश करने का ये बहुत ही अच्छा समय है। हालांकि रास्ते में कुछ छोटी मोटी रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन आपका अंतर्ज्ञान सही निर्णय लेने में आपका मार्गदर्शन करेगा। अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहें, लेकिन जब बात अपने धन को बढ़ाने की हो तो सुनियोजित जोखिम लेने से बिल्कुल न डरें। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो इस महीने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। व्यायाम और स्वस्थ आदतों के लिए अलग समय निर्धारित करें और उत्पन्न होने वाले किसी भी तनाव या चिंता का प्रबंधन करना सुनिश्चित करें। इस सप्ताह आपके समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का आपकी उत्पादकता और सफलता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की। इन जातकों को अपने पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है और इस वजह से अलग होने तक की नौबत भी आ सकती है। जो लोग पहले से किसी को पसंद करते हैं, उन्हें यह महीना औसत से थोड़ा कम लग सकता है और इस समय आपका प्रेम जीवन थोड़ा मुश्किल रहने की संभावना है। शुक्र अशुभ स्थिति में होगा, जो आपके सातवें भाव में शत्रु राशि में स्थित होगा। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में उथल पुथल होने की थोड़ी संभावना दिखाई दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं, उनको जीवन साथी के साथ तालमेल में थोड़ी कमी दिखाई दे सकती है। इस महीने मंगल आपके सातवें भाव में विराजमान होगा और इस वजह से मकर राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। साथ ही जून माह के दौरान साथी के साथ बातचीत की कमी के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिसके चलते आप दोनों के बीच अहंकार से जुड़े मतभेद देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से आपका प्रेम जीवन अशांत रहने की आशंका है। पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो इन जातकों को पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान ज़्यादातर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि राहु बृहस्पति के साथ चौथे भाव में स्थित होंगे। बृहस्पति आपके तीसरे और बारहवें भाव के स्वामी हैं, जो चौथे भाव में विराजमान हैं और इस भाव में बैठकर ये परिवार में कई समस्याओं, विशेष रूप से संपत्ति संबंधित मतभेदों का कारण बनेंगे। साथ ही चौथे भाव में गुरु ग्रह के स्थित होने से घर परिवार के सदस्यों में आपसी समझ और तालमेल की कमी दिखाई देगी। शुक्र के सातवें भाव में मौजूद होने के कारण आप अत्यधिक भावुक रह सकते हैं, जो आपके लिए कई समस्याओं का कारण भी बन सकती है। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। प्रतिदिन ओम हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। रोजाना 11 बार ओम नमो नारायण का जाप करें। ये था जून 2023 का राशिफल मकर राशि वालों के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ज्ञान की बातें।